हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में हम जानेंगे रशिया के बारे में, बहुत कुछ है जानने को इस फैसिनेटिंग कंट्री के बारे में। सो विदाउट फर्दर एडू, लेट्स बिगिन नाउ, शैल वी। स्टडी आईक्यू के पेनड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज वेरियस कंपेरेटिव एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि एसएससी एग्जाम्स, बैंक एग्जाम्स, उसके अलावा डीएसएसबी, क्लैट, बहुत सारे कोर्सेज के लिए हमारे पेनड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो studyiq.com से आप खरीद सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से, क्या रशिया यूरोप में आता है या एशिया में आता है? काफ़ी बार स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो हैव अ लुक एट दिस। ये रशिया का मैप है आपके सामने, और नोटिस करो यहाँ पर बीच में कुछ पहाड़ हैं, ये हैं यूरल माउंटेंस। यूरल माउंटेंस रशिया को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो ये पार्ट हो गया वेस्टर्न रशिया का और ये पार्ट हो गया ईस्टर्न रशिया का। वेस्टर्न रशिया का जो ये सारा पार्ट है ये यूरोप का माना जाता है, और जो ईस्टर्न पार्ट है वो एशिया का माना जाता है। एशिया का पार्ट रशिया का टोटल 75% हो गया और यूरोप का सिर्फ 25% है। अब मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, यूरोप का पार्ट होने से यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, कन्फ्यूज़ मत कर लेना। ये बस हम ज्योग्राफी जब हम समझ रहे होते हैं, ज्योग्राफी हम पढ़ रहे होते हैं, उसको माइंड में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करने के लिए हम करते हैं, ठीक है, या मैप सुनाने के लिए। यहाँ पे उसके अलावा और कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल, रशिया यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, ना नेटो का मेंबर है, ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, मगर रशिया SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। अब बहुत ही लंबे समय तक यूरोप में भी एक डिबेट चलता था कि क्या रशियंस सही में यूरोपियंस हैं या फिर रशियंस को कुछ और मानना चाहिए। ये डिबेट फाइनली ख़त्म किया फिलिप योहान वॉन स्ट्रालनबर्ग ने। ये एक जर्मन ओरिजिन के स्वीडिश जियोग्राफर थे। इन्होंने फॉर्मूला निकाला उरल माउंटेंस का। इन्होंने कहा कि हम ये मानते हैं कि इस माउंटेन के जो वेस्टर्न साइड का पार्ट है वो हम ज्योग्राफिकली यूरोप में मानेंगे, जो ईस्टर्न साइड का पार्ट होगा वो एशिया में होगा। और उस वक्त के रशियन जार ने ये मैप एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो भी ये चाहते थे कि रशिया की जो मेजर सिटीज है, फॉर एग्जांपल सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, जो वेस्टर्न रशिया में आती है, वो यूरोपियन सिटीज़ मानी जाए, क्योंकि इन सिटीज़ का आर्किटेक्चर, इनका लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक यूरोपियन है, वे मोर यूरोपियन दैन एशियन। अब एक बार रशिया के मैप को और अच्छे से स्टडी करते हैं। रशिया या रशियन फेडरेशन कह लीजिए, रशियन फेडरेशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा कंट्री है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो ये प्लूटो, जो एक फॉर्मर प्लैनेट है, उससे भी ज़्यादा बड़ा है। हाँ, मगर मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर लोग बहुत ही कम रहते हैं, पूरे रशिया की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन से भी कम है, जो इंडिया की एक बस एक स्टेट है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है करीब 204 मिलियन, और रशिया की पॉपुलेशन जो लेटेस्ट सर्वे है उसके अकॉर्डिंग 144 मिलियन। रशिया के आसपास का एरिया देखते हैं, एज यू कैन सी यहाँ पे है बैरेंट सी, यहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के नॉर्दर्न साइड पर, ठीक है, और रशिया की नॉर्दर्न साइड पर यह है बैरेंट सी, फिर यहाँ पे है कारा सी, और फिर यहाँ पे आता है ईस्ट साइबेरियन सी, फिर US और रशिया के बीच में यहाँ पर है बेरिंग स्ट्रेट। अब US आप देख सकते हो, ये अलास्का है, अलास्का US का पार्ट है, और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये रशिया का पार्ट है, ऑलराइट। और स्ट्रेट बेसिकली होता क्या, स्ट्रेट एक नैरो पैसेज होता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों जो लैंड मास है बहुत करीब है, और बहुत ही यहाँ पे एक नैरो सा पैसेज है या जहाँ से कोई गुजर सकता है। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं कि बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पे है, तो यू कैन आंसर नाउ। मगर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं ये बताना चाहूँगा कि अलास्का हमेशा से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पार्ट नहीं था। 1867 से पहले अलास्का रशिया का पार्ट था। क्या था कि 1859 में रशिया ने ऑफर किया US को कि वो अलास्का खरीद सकता है रशिया से। अब क्या प्रॉब्लम क्या थी कि रशिया की ज़्यादा जो मेजर सिटीज़ थी वो यूरोप के पास थी। ये वाला जो एरिया आप यहाँ पर देख रहे हो, जो पूरा ईस्टर्न पार्ट है, ये ज़्यादातर बैरन था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, तो रशिया के लिए बहुत मुश्किल था अलास्का को यूज़ करना। उस वक्त रशिया के ज़ार ने सोचा कि एक अच्छी डील होगी कि अगर हम $7.2 मिलियन में अलास्का को US को बेच दें। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनिशियली USA को ये ऑफर पसंद नहीं आया, क्योंकि US उस वक्त और डोमेस्टिक इश्यूज में बिजी था, और ऑफ कोर्स उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स, आज का यूनाइटेड स्टेट जो है वैसा नहीं था, उससे काफ़ी कमज़ोर था, अपनी इन्फेंसी में था। मगर तब भी US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने सोचा कि ये डील US के बेनिफिट में होगी, और उन्होंने 7.2 मिलियन देकर 1867 में रशिया से अलास्का खरीद लिया। अब अलास्का खरीदने के बाद भी
यूएसए ने अलास्का में कुछ काम करना स्टार्ट नहीं किया, ये तब भी काफी हद तक इनहैबिटेबल एरिया था, बहुत ही कम लोग यहाँ पे रहते थे, और तीन दशकों तक यहाँ पर एक पैसा भी यूएस ने इन्वेस्ट नहीं किया। मगर अलास्का में फिर इवेंचुअली 1896 में यूकोन गोल्ड माइन मिली, जिसकी वजह से अलास्का में एक माइनिंग इंडस्ट्री बन गई और धीरे धीरे ये एक बहुत ही प्रॉस्परस जगह बन गई। और ऑफ कोर्स बाद में वर्ल्ड वॉर टू में भी अलास्का ने काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया, इंपीरियल जापान के खिलाफ जब नेवल वॉर चल रही थी तो अलास्का में जो जहाँ पे पोर्ट था यूएस का, उसने एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। और फाइनली अलास्का को एक यूएस की स्टेट भी बनाया गया 1959 में। अब मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रशिया के जार का कितना एक गलत फैसला था, उससे आप इमेजिन कर सकते हो, अलास्का को बेचना। उनको अलास्का को अपने पास रखना चाहिए था, $7.2 मिलियन इतनी बड़ी कोई रकम नहीं थी जिससे रशिया का भविष्य चेंज हो जाता। मगर अगर अलास्का रशिया के पास रहता तो आज के टाइम में रशिया के पास वॉर्म पोर्ट्स होते। अब वॉर्म पोर्ट्स की महिमा क्या है ये समझने से पहले मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहूँगा। नेवल पावर इज रियल पावर। अब यहाँ पे मैं बस ये नेवी की बात नहीं कर रहा, वॉरशिप्स की बात नहीं कर रहा, बेसिकली अच्छे पोर्ट्स होना, एक अच्छे ट्रेडिंग राउट्स होना और कार्गो शिप्स सेंड कर पाना, वो अपने आप में एक नेवल पावर में आता है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पे बात बता रहा हूँ, जो 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं इस वक्त दुनिया की, उन पर नज़र डालो। सबसे टॉप पे यूएस है, यहाँ पे पीपीपी के हिसाब से नहीं कर रहा, नॉमिनल जीडीपी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यूएस सबसे टॉप पे है, फिर है चाइना, फिर है जापान, फिर है जर्मनी, फिर है यूके, फिर है फ्रांस, फिर आता है इंडिया, फिर इटली, फिर ब्राज़ील, फिर कनाडा। इन सब देशों में एक चीज़ क्या कॉमन है, इन सब कंट्रीज़ के पास वॉर्म पोर्ट्स है। अब आपने पोर्ट सुना होगा, मगर ये वॉर्म पोर्ट कोल्ड पोर्ट क्या होता है? देखो, वॉर्म पोर्ट बेसिकली एक नॉर्मल पोर्ट होता है जो हम इंडिया में जैसे देखते हैं, एक ऐसा पोर्ट जो साल के 12 महीने ऑपरेशनल हो, जहाँ पर बर्फ की वजह से ऐसा ना हो कि जो उसके ऑपरेशंस हैं वो रुक जाए। रशिया में क्या है कि वॉर्म पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा कमी है, उनके बहुत सारे पोर्ट्स में साल के कई महीने बर्फ जमी रहती है, उसकी वजह से शिप की आवाजाही नहीं हो पाती। और एक बार जब एक रूट टूट जाता है ना शिप का, तो ऐसा नहीं होता कि 6 महीने उस पोर्ट पे वो जाएगी, 6 महीने कहीं और पे जाएगी, ज़्यादातर एक जो रूट उनका बन जाता है उसी को वो कंटिन्यू करते हैं। तो सिंस रशिया के पास वॉर्म पोर्ट की कमी है, वहाँ पर जो बहुत सारा वो ट्रेड कर सकते थे या बहुत सारा, और उसके अलावा और ज़्यादा अपनी नेवी की एक्सपेंशन कर सकते थे, उसमें उनके पास लिमिटेशंस हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा कारण है कि रशिया आपको इस वक्त इस लिस्ट में नहीं दिख रहा। रशिया की इकोनॉमी एक्चुअली काफ़ी छोटी है। रशिया के बारे में जब हम सोचते हैं तो हम इमीडिएटली उसको यूएसए से कंपेयर कर लेते हैं कि यूएसए के सामने कोई खड़ा हो पाएगा तो कौन है, रशिया ही खड़ा हो सकता है। वो बात सही है, मगर सिर्फ मिलिट्रिस्टिकली, और वो भी कुछ सर्टन एस्पेक्ट्स में। अगर हम नेवी की बात करें तो वहाँ पे रशियन नेवी कहीं भी ठहरती नहीं है यूएसए के सामने। और अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 2015 के स्टैट्स हैं, जीडीपी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे जीडीपी देख रहे हैं हम। यहाँ पे कैलिफोर्निया जो एक स्टेट है यूएसए की, उसकी हम इकोनॉमी कंपेयर करेंगे रशिया से, कैलिफोर्निया की इकोनॉमी ही $2.5 ट्रिलियन थी 2015 में, और उस वक्त रशिया की थी $1.3 ट्रिलियन। अभी हालांकि 2017 में इनकी हो गई है $1.5 ट्रिलियन, मगर तब भी कैलिफोर्निया जो यूएस की सिर्फ एक स्टेट है उससे भी काफ़ी पीछे है। अब ज़रा मैप में वापस जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि रशिया की हालत इन टर्म्स ऑफ वॉर्म पोर्ट्स इतनी ख़राब क्यों है, और एक्चुअल में जो रशिया के कुछ जो पोर्ट्स बचे हुए हैं वो कितने यूज़फुल हैं। तो वैसे अगर हम रशिया के पोर्ट्स देखें, एक तो है सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट, जो यहाँ पर इस एरिया में है, यहाँ पर है सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, सेंट पीटर्सबर्ग, और यहाँ पे एक पोर्ट है। मगर यहाँ पे भी आप देखोगे, पहली बात तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पूरा फ्रीज़ हो जाता है ये पोर्ट सर्दियों में, और साल के कई महीने यहाँ पे बिल्कुल बर्फ जमी रहती है, कुछ मूवमेंट नहीं होती, सो ये एक वॉर्म पोर्ट नहीं है। और उसके अलावा अगर मान लो ये वॉर्म पोर्ट होता भी, अब जो बाकी जो महीने वहाँ पे इसको ऑपरेशनल होना भी पड़ता, तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसको, इनकी कार्गो को एक लंबे रास्ते से गुजरना पड़ता है, अटलांटिक ओशन पार करना होता है, फिर जाके वो यूएस या उनको एशिया की तरफ भी मुड़ना है, तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। उस सब के अलावा एक इशू ये भी है कि इनको यहाँ पे ये जो स्ट्रेट है इससे गुजरना होता है, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रेट है इसको कंट्रोल करता है डेनमार्क, डेनमार्क नेटो का मेंबर है, तो कल को मान लो अगर नेटो और रशिया के बीच में थोड़ी भी कुछ टेंशन और ज़रा बढ़ जाती है, तो हो सकता है जो चोक पॉइंट्स हैं यहाँ पे रशिया के कार्गो के,
वहाँ पर ये नेटो के मेंबर्स जो ट्रेड रोक सकते हैं और उससे रशिया की इकोनॉमी को एक बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। हालांकि रशिया उसका एक बदलाव भी ले सकता है, उसका एक रिस्पांस में रशिया क्या कर सकता है कि रशिया की गैस पाइपलाइंस, रशिया में एक्चुअली नेचुरल गैस बहुत सारी है और पूरे यूरोप को रशिया यहाँ से गैस पाइपलाइंस के थ्रू गैस सप्लाई करता है। जर्मनी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रशिया पे इन टर्म्स ऑफ गैस। दैट इज़ वाई यूएन में कई बार जब रशिया को नेशंस क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे जर्मनी चुप रहता है। जर्मनी रशिया के खिलाफ आपको देखेगा नहीं इतना कुछ बोलता हुआ, क्योंकि जर्मनी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये रशिया पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए यूके खुलकर क्राइमिया के ऊपर या ह्यूमन राइट्स के ऊपर किसी भी टॉपिक पर रशिया का क्रिटिसिज्म कर पाता है, ठीक है। अच्छा, वैसे हम बात करें, साइड में तो बहुत बड़ा पोर्ट था सेंट पीटर्सबर्ग, इसकी प्रॉब्लम हमको समझ में आ गई। फिर जो यहाँ पर फार ईस्टर्न साइड है वहाँ पे एक रशिया का पोर्ट है व्लादिवोस्तोक, ठीक है, ये यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे ये है व्लादिवोस्तोक, एक बहुत ही बड़ा पोर्ट है, ठीक है। अब आप नोटिस करोगे वैसे रशिया बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ कोरिया के साथ, ठीक है, ये भी याद रखना, कभी यार एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब व्लादिवोस्तोक पोर्ट में भी ये प्रॉब्लम है, ये जम जाता कई बार। और आप नोटिस करोगे व्लादिवोस्तोक को भी यहाँ से अगर कहीं पर निकलना है तो उसको सी ऑफ जापान पार करना होगा। सी ऑफ जापान को कंट्रोल करती है जापानीज नेवी और जापान एक बहुत ही क्लोज एलाई है यूएस का, हालांकि एक नेटो का मेंबर नहीं है। तो क्या है कि रशिया जो अपने आप में एक बहुत ही नेचुरल रिसोर्स रिच कंट्री है और लोग भी बहुत काबिल हैं यहाँ के, बहुत ही बढ़िया थिंकर्स निकले हैं यहाँ से और अपने आप में एक बहुत बड़ा विशाल कंट्री है, मगर उसके पास वॉर्म पोर्ट्स नहीं है। उसकी वजह से रशिया का जो पोटेंशियल है वो कभी रीच नहीं हो पाया। और अगर मान लो अलास्का को रशिया ना बेचता तो अलास्का में एक वॉर्म पोर्ट है जो रशिया यूज़ कर सकता था। हाँ, अजीब बात यह है कि रशिया के सिवाय बाकी जो सारे देश हैं यहाँ पे जहाँ पे रशिया से भी ज़्यादा ठंड पड़ती है उनके पास ऐसे वॉर्म पोर्ट्स हैं जो सारे साल फंक्शन करते हैं। फिनलैंड के पास है, स्वीडन के पास है, नॉर्वे के पास, यहाँ पे आपको कनाडा में भी वॉर्म पोर्ट्स मिल जाएंगे, मगर रशिया की ही किस्मत ख़राब है कि यहाँ पे वॉर्म पोर्ट्स अवेलेबल नहीं है। अब देखते हैं रशिया किन कंट्रीज़ के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पर देख सकते हो नॉर्वे के साथ करता है, नॉर्वे ये रहा यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों देश स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे और स्वीडन यहाँ पर, ठीक है, ये अलग से, ये यहाँ पर, ये है फिनलैंड, ठीक है। तो नॉर्वे के साथ रशिया बॉर्डर शेयर करता है, उसके अलावा इस्तोनिया के साथ करता है, फिनलैंड के साथ करता है। अच्छा, आप लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस पर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन का आंसर देना, आपको बताना है कि इस्तोनिया, लतविया और लिथुएनिया ये तीन कंट्रीज़ बाल्कन कंट्रीज़ हैं या बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, ठीक है। आपने नाम सुना होगा इनके बारे में, ज्योग्राफी में काफ़ी बार यूज़ करते हैं बाल्टिक नेशंस, बाल्कन नेशंस, तो बताओ ये बाल्कन कंट्रीज़ हैं या बाल्टिक कंट्रीज़ हैं। गूगल का इस्तेमाल ना करोगे तो अच्छा ही है। और बाकी इस वीडियो की आपको जो PDF है वो मिल जाएगी StudyIQ के टेलीग्राम ग्रुप में और वहाँ से आप देख सकते हो इसका सही आंसर क्या है। फिर आप देख सकते हो पोलैंड के साथ भी रशिया की एक बॉर्डर है और फिर बेलारूस के साथ, यूक्रेन के साथ बहुत बड़ी बॉर्डर है रशिया की, फिर जॉर्जिया के साथ है, अज़रबैजान के साथ, कजाकिस्तान, फिर हम यहाँ पे आ गए सेंट्रल एशिया में, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना के साथ बहुत बड़ी बॉर्डर है रशिया की, फिर नॉर्थ कोरिया के साथ बहुत ही छोटी सी 17 किलोमीटर की, ठीक है, ये यहाँ से नॉर्थ कोरिया शुरू होता है, ठीक है, और ये है रशिया नॉर्थ कोरिया बॉर्डर यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि रशिया की जो यूरोप में प्रॉब्लम्स है, जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, वो देखते हैं क्या है कि ये जो आप एरिया देख रहे हो यहाँ पर, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ इसके बीच में, ये पैरेलल लाइंस है, इनके बीच का जो एरिया है ये बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। अब प्लेन है मतलब कि यहाँ पर वॉर हो सकती है, ये याद रखना कि जहाँ भी बिल्कुल प्लेन लैंड होंगे, कोई ऊबड़ खाबड़ ज़मीन नहीं होगी, वहाँ पर बहुत इन्वेजन्स होंगी, वहाँ पर अटैक होंगे, वहाँ पर वॉर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया देख लो आप, इंडिया को कभी भी जो हजारे हमारा हिमालयन रीजन है जहाँ पर चाइना है वहाँ से इन्वेड नहीं किया गया, क्योंकि हिली रीजन है, माउंटेनियस रीजन है, कौन वहाँ पे अपनी आर्मी भेजे, बहुत ही मुश्किल होता है और बर्फ़ भी पड़ती है वहाँ पे, तो टेरेन इतनी मुश्किल है कि वहाँ पे वॉर आप कर ही नहीं सकते। फिर अब जो हमारा पंजाब, राजस्थान, जो पाकिस्तान के साथ रीजन है वो प्लेन है, खासकर पंजाब वाला रीजन बिल्कुल प्लेन है, तो काफ़ी बार आप देखोगे जो वॉर हुई है इन्वेडर्स वहीं से ही आए हैं, ठीक है, जो हमारी नॉर्थ वेस्टर्न जो हमारी साइड है वहाँ से इन्वेडर आते हैं। तो रशिया का भी यही इशू है, ये जो पार्ट है यहाँ पर, और यहाँ पे याद रखना मेन जो रशिया की सिटीज़ है सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, ये यहीं पे है, ठीक है। तो ये जो प्लेन एरिया है यहाँ पे जब भी रशिया पे अटैक हुआ है इन्वेडर सीधा यहाँ से आए हैं। हिटलर भी
जब थर्ड राइक को लेकर वर्ल्ड वॉर टू में स्टालिन के रशिया में आ रहा था, तो इन्हीं प्लेन से आ रहा था, ठीक है, वो अलग बात है, उनको स्टालिन गार्ड में रोक दिया गया, फिर इवेंचुअली यूएसएसआर की जीत हुई और आगे उन्होंने काफ़ी एडवांस कर लिया, फिर रशिया पर उन्होंने चढ़ाई भी करी। बट ये रशिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस एरिया को कंट्रोल करना, कि यहाँ पर जो गैप है वो कम हो। तो इसलिए रशिया क्या करता है कि जो आसपास की कंट्रीज़ हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है, उनको अपने ऑर्बिट में लेता है। अपने ऑर्बिट में लेने का क्या मतलब है, आज के टाइम में रशिया अपने ऑर्बिट में लेता है तो उसका यही मतलब है कि वो देश नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब रशिया के लिए एक बहुत ही बड़ा ब्लो आया था 2004 में, जब US के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज W. बुश। अब उस ज़माने में क्या हुआ, यहाँ पे तीन कंट्रीज़ हैं, ये लिथुएनिया, लटविया और इस्तोनिया, 2004 में इन तीनों कंट्रीज़ ने नेटो को ज्वाइन कर लिया। ये रशिया के लिए एक बहुत ही बड़ा ब्लो था, क्योंकि क्या कि जब नेटो के बेसिस यहाँ पे बनने स्टार्ट हो जाएंगी और नेटो की जब ये मेंबर्स बन जाएंगी ये कंट्रीज़, तो रशिया पे अटैक अगर कल को नेटो को करना होगा तो इन प्लेन से आराम से वो कर पाएंगे। नहीं तो इससे पहले USSR के टाइम में क्या होता था कि ये तीनों जो अब आज के टाइम में आज़ाद कंट्रीज़ हैं, ये USSR के का पार्ट थी, और यूक्रेन भी USSR का पार्ट था, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर वो USSR का पार्ट थी। तो उस सब की वजह से जो यहाँ पर जो कॉरिडोर है प्लेन्स का, वो बहुत नैरो हो गया था। अभी आप देखोगे वो बहुत ज़रा ब्रॉड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कॉरिडोर काफ़ी ब्रॉड है। उस ज़माने में क्योंकि USSR काफ़ी आगे था, जो कॉरिडोर था वो भी नैरो हो गया था। तो रशिया क्या चाहता है कि जो प्लेन एरिया है वहाँ पर जो कॉरिडोर है वो और ज़्यादा नैरो हो जाए, ताकि कल को अगर कोई इन्फेंट्री रशिया में इन्वेड करने की कोशिश करती है या आक्रमण करने की कोशिश करती है तो उनको कम रूम मिले। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो रशिया की जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उनका, मैं ये कहूँ वो काफ़ी हद तक US जैसा ही है। ऑन पेपर रशिया एक डेमोक्रेसी है, वहाँ पे होता क्या है, क्या प्रैक्टिस होती है, मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर रहा। पेपर पे हम देखेंगे रशिया एक डेमोक्रेसी है, वहाँ पे इलेक्शन होते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है रशिया का, अभी इस वक्त रशिया का प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन है, वो प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। अब एक बहुत ही बड़ी पावर जो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया को होती है वो ये होती है कि वो डूमा को डिसॉल्व कर सकते हैं। डूमा बेसिकली अमेरिकन कांग्रेस की तरह होती है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा US में कांग्रेस होती है, वहाँ पे लेजिस्लेशंस पास करते हैं, तो कुछ हद तक सिमिलर स्ट्रक्चर है उनका, ठीक है। अगर मान लो सरकार ढंग से काम नहीं कर रही तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो डूमा को डिसॉल्व कर सकते हैं और उससे फिर से नए इलेक्शन होंगे। हालांकि मैं ये बता दूं कि प्रेसिडेंट अपने ही पावर से वहाँ पे कोई लॉ पास नहीं कर पाते, तो उनको डूमा की ज़रूरत होती है। तो टाइमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कब इलेक्शन होंगे, कब प्रेसिडेंट डिसॉल्व करेंगे। खैर, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं रशिया के, वो डूमा के हेड होते हैं, और जो रशिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो सारे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो प्रेसिडेंट के साथ काम करेंगे उनको वो अपॉइंट करते हैं। तो अभी फॉर एग्जांपल रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं दिमित्री मेदवेदेव। अब रशिया में जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है वो कौन सी होगी, सीधी सी बात है व्लादिमीर पुतिन की पॉलिटिकल पार्टी होगी, तो उसका नाम है यूनाइटेड रशिया, ठीक है, याद रखना इसके बारे में। ये बहुत ही लंबे समय से पावर में है, 2001 से ये लगातार पावर में है, कोई और पॉलिटिकल पार्टी इसके सामने खड़ी नहीं हो पाती। रशिया में काफ़ी हद तक करप्शन भी है, क्रोनी कैपिटलिज्म में रशिया की रैंक 1 है, मतलब कि वर्स्ट कंट्री है फॉर क्रोनी कैपिटलिज्म, मतलब कि वहाँ पर जो पॉलिटिशियंस हैं और जो कॉरपोरेट्स हैं उनकी आपस में काफ़ी साजगाट है। काफ़ी बार कोई नेचुरल रिसोर्सेज की कुछ एक्सप्लोटेशन करनी होती है या कुछ और कहीं जा करप्शन करना होता है, तो नेता और जो वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो मिल जाते हैं और आपस में मिलके काम करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से अब यूनाइटेड रशिया अकेली पार्टी है और इसका कोई कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि सारे जो रशिया में ओलिगार्क्स हैं, जो सारे बिलियनियर्स हैं वहाँ पर, ऑयल बैरन्स, वो यूनाइटेड रशिया को ही सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अभी भी जो डूमा है रशिया का, वहाँ पे 76.22% जो सीट्स हैं वो यूनाइटेड रशिया की ही है। और जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2001 से, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट बने थे 1999-2000 के बीच में, और तब से ये, जब उसके बाद से ये यूनाइटेड रशिया बनी और तब से यही पावर में है, ठीक है। उससे पहले व्लादिमीर पुतिन की पार्टी कुछ और थी, मगर बाद में यूनाइटेड रशिया 2001 में आई और एक दो पार्टी का बेसिकली ये एक संगठन था। अब दोस्तों थोड़ी रशिया की हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल 1200 BC से स्टार्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत डीप जाना पड़ेगा, फिर हम वहाँ पे थियोलॉजी पढ़ेंगे, हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पर जो स्लाव्स थे, जो पहले यूक्रेन या जो बाल्कन रीजन था वहाँ पे बसते थे,
उन वहाँ पे क्रिश्चियनिटी कैसे फैली, फिर जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ था उसका क्या इम्पैक्ट था, हंस अटिला द हन एक बहुत ही मशहूर बारबेरियन थे, इनका क्या इम्पैक्ट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था इनका बाद में, फिर चंगेज़ खान ने भी अटैक किया था रशिया पर, ये सब कुछ ये पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा ये सब कुछ पढ़ने के लिए, ये सब कुछ डिस्कस करने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा द हिस्ट्री ऑफ रशिया। उसमें मैं पीटर द ग्रेट के आने से पहले या फिर आप कह सकते हो शायद सोवियत यूनियन के बनने से पहले का जो रशिया था वो उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी मैं सीधा बात करूँगा 1682 से जब पीटर द ग्रेट ज़ार बन चुके थे। पीटर द ग्रेट की भूमिका रशिया की हिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण है। देखो क्या था कि 16 सेंचुरी से पहले रशिया काफ़ी बैकवर्ड हो चुका था, वहाँ पे जो आर्किटेक्चर था मॉस्को और भी और जो आसपास की सिटीज़ थी वो काफ़ी हद तक पुराना सा हो गया था, दिखने में भी इतना अच्छा नहीं लगता था, और ओवरऑल रशिया टेक्नोलॉजी में कल्चर के हिसाब से और तरीके से भी बहुत ज़्यादा पिछड़ रहा था। तो उस समय पीटर द ग्रेट जो उस वक्त ज़ार नहीं बने थे, ज़ार एक होता है एक राजा, ठीक है, उस वक्त वो ज़ार नहीं बने थे, वो एक एक्सप्लोरर थे और वो यूरोप गए थे, ठीक है, काफ़ी यंग एज में जब वो 30 के आसपास के थे वो यूरोप गए और वहाँ पे उन्होंने यूरोपियन सिटीज़ को ऑब्ज़र्व किया, वेनिस को ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने पेरिस देखा, जर्मनी में वो रुके और वहाँ पर उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ का जो आर्किटेक्चर है कितना सुंदर है, वहाँ पर नेवी उन्होंने कितनी अपनी तेज़ी से आगे बढ़ा ली है और किस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम उन्होंने बना लिया है वहाँ पर, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व करी कि लोग वहाँ पे कैसे रहते हैं, दाढ़ी कटवा के रहते हैं, क्लीन शेव रहते हैं, फैशन कपड़े वगैरह सब उन्होंने चीज़ें देखी। फिर उन्होंने वो सब ज्ञान को लेकर वो वापस रशिया गए और उन्होंने एक तरीके से मैं कहूँगा, हालाँकि ये टेक्निकली सही टर्मिनोलॉजी नहीं होगी, उन्होंने एक तरीके का सोशल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया रशिया में। रशिया में क्या था, लोग दाढ़ी उगा के घूमते थे, नहाते नहीं थे और ओवरऑल जो आर्किटेक्चर था उस कंट्री का वो भी काफ़ी हद तक क्रम्बल कर रहा था, सिटीज़ भी कमज़ोर सी थी, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी बहुत पीछे था, बेसिकली रशिया क्रम्बल कर रहा था, ठीक है। उस समय पीटर द ग्रेट अपने साथ यूरोप से लेकर आए बहुत सारी टेक्नोलॉजी, कल्चर, नए रिचुअल्स, नए तरीके का रहने का तरीका। उन्होंने एक बहुत ही फेमस चीज़ है, ये आप लोग शायद हंस रहे होंगे मेरी बात से कि दाढ़ी उगी हुई है, लोग नहाते नहीं थे, बल्कि बात ऐसी ही थी। आप अगर बाद में कभी गूगल करना, रशिया में पीटर द ग्रेट ने लगाया था बियर्ड टैक्स, कि जो भी दाढ़ी रखेगा लंबी सी उस पर टैक्स लगेगा, क्योंकि दाढ़ी ज़रूरत से ज़्यादा लंबी रखने से थोड़ा सा लोग मानते थे ख़राब लगता है, ठीक है। तो लोगों को क्लीन शेव रहने में उन्होंने मजबूर किया, सही कपड़े पहनने में मजबूर किया और फिर यूरोप से आर्किटेक्ट्स मंगाए, ट्रेड रिलेशंस यूरोप और रशिया के बेहतर करे उन्होंने, और ओवरऑल सेंट पीटर्सबर्ग जो कहते हैं रशिया की सबसे खूबसूरत सिटी है वो उन्होंने ही बसाई। तो जो नाम है ना ये पीटर द ग्रेट जो ज़ार थे रशिया के, उन्हीं के नाम पे सेंट पीटर्सबर्ग है, ठीक है। और फिर उसके बाद पीटर द ग्रेट के बाद आई कैथरीन द ग्रेट जो एम्प्रेस बनी रशिया की। इनके टाइम में रशिया ने और बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया, बहुत ही कमाल की एम्प्रेस थी ये। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर वन ज़ार बने, फिर निकोलस वन ज़ार बने और उसके बाद क्राइमियन वॉर शुरू हो गई रशिया और ओटोमान एम्पायर के बीच में, ठीक है। और ये बहुत ही एक ग्रूसम वॉर थी, रशियन सोल्जर्स और ओटोमान सोल्जर्स जो थे काफ़ी बार क्राइमियन पेनिनसुला जो आज के टाइम में रशिया ने हत्या लिया है। और उसके बाद ऑफकोर्स हमने बात करी 1867 में मॉन्यूमेंटल ब्लंडर किया रशिया ने, जब रशिया के ज़ार ने ये अलास्का भेज दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। फिर उसके बाद निकोलस द सेकेंड बने ज़ार और ये ख़राब टाइम था रशिया का, क्योंकि यहाँ तक रशिया में पावर्टी काफ़ी हद तक बढ़ गई थी वापस और ओवरऑल जो अथॉरिटी थी स्टेट की वो ज़रूरत से ज़्यादा बन गई थी, जो पुलिस ब्रुटैलिटी के केसेस थे वो भी ज़्यादा बढ़ गए थे, लोग खुश नहीं थे सरकार से। और उसी दौरान लेनिन जर्मनी से पढ़ाई कर वो रशिया पहुँच चुके थे, उन्होंने एक वहाँ पर मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी थी वो फैलाई और फिर उसी की वजह से लेनिन लीडर बने बोल्शेविक्स के, जिन्होंने अल्टीमेटली रशिया में रेवोल्यूशन भी उन्होंने लेके आए। और फिर वर्ल्ड वॉर वन शुरू होती है 1914 में, जहाँ पे रशियंस लड़े थे जर्मन्स और ऑस्ट्रियंस से, ऑफकोर्स जर्मन्स और ऑस्ट्रियंस की हार हुई थी इस वर्ल्ड वॉर वन में।
फिर 1917 में वर्ल्ड वॉर वन के दौरान ही रशिया में रेवोल्यूशन हुआ, इसको हम अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं। जो सब ज़ार वहाँ पे रूल कर रहे थे उनको ओवरथ्रो कर दिया और वहाँ पर, और फिर रशिया बन गया रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो इवेंचुअली यूएसएसआर बन गया, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और बाद में लेनिन ने भी बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। फिर 1924 के बाद लेनिन की मौत हो गई, फिर स्टालिन डिक्टेटर बने, फिर वर्ल्ड वॉर टू होती है और सो एंड एंड सो फोर्थ। फिर इवेंचुअली यूएसएसआर का ब्रेकअप भी होता है 1991-1992 के बीच में यूएसएसआर का ब्रेकअप होता है और 15 कंट्रीज में यूएसएसआर बिखर जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है, आपको बताना है कि रशिया, यूएसएसआर की बात नहीं कर रहा मैं इस वक्त, मॉडर्न डे रशिया 2017 का रशियन फेडरेशन, उसके कितने टाइम जोन है, ठीक है। आपके ऑप्शन है 7, 11, 34 या 6। नीचे कमेंट बॉक्स में मैं चाहता हूँ आप इसका आंसर दें, और या जिसका भी आंसर सही निकला उसकी कमेंट को मैं लाइक करूँगा। ऑलराइट, अभी अगर हम देखें तो रशिया के मेन चैलेंजेस क्या क्या हैं रशिया के सामने। वेल, रशिया के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, सबसे बड़े तो एक इकोनॉमी को रशिया को संभालना होगा। रशिया की इकोनॉमी अभी तक हैवीली डिपेंडेंट है अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स पर, और ऑयल आपको पता है आने वाले सिर्फ 50 साल तक रेलेवेंट रहेगा, उसके बाद सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी उसको आराम से रिप्लेस कर देगी, उसके बाद ऑयल की उतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जिन कंट्रीज़ के पास ऑयल है उनके पास मतलब इट वॉन्ट रियली मैटर ऑल दैट मच। हालांकि मैं ये बता दूं कि रशिया के पास फ्रेश वाटर के भी बहुत सारे रिजर्व्स हैं, तो आगे जाकर जब ये कहा जाता है कि कंट्रीज़ की वॉर पेट्रोल या सॉरी ऑयल या कोई और कोल या कोई और चीज़ पे नहीं होगी, उस वक्त कंट्रीज़ की वॉर होगी पानी को लेकर, देयर विल बी वाटर वॉर्स। उस वक्त रशिया के पास काफ़ी एक अपर हैंड होगा क्योंकि रशिया के पास काफ़ी सारा फ्रेश वाटर है। नाउ एक और रशिया की प्रॉब्लम ये भी है कि रशिया की पॉपुलेशन डिंडल कर रही है, ठीक है, बहुत कम पॉपुलेशन है रशिया की और ये पॉपुलेशन तेज़ी से गिर भी रही है। सिमिलर प्रॉब्लम जापान की भी है जो रशिया का नेबर है, आप दे सकते हैं। रशिया में देखो प्रॉब्लम क्या हुई थी कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुई थी, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा जो रशियन मेल थे, रशियन पुरुष, उनकी मौत हो गई थी, ठीक है। पहली बात तो स्टालिन गार्ड में जब हिटलर का थर्ड राइट आ रहा था उस वक्त, उसको रोकते वक्त बहुत सारे लोग मर गए। फिर उसके बाद जर्मनी तक एडवांस करते वक्त भी बहुत सारे लोग मर गए। अब क्या हुआ कि उसकी वजह से जो रशिया का सेक्स रेशियो था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। उस वक्त जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 10 औरतें हैं, उनके लिए सिर्फ 7 मर्द या 6 मर्द रह गए, ठीक है। और ये हालांकि 1945 में था, मगर जब सेक्स रेशियो एक बार आपका इतना ख़राब हो जाता है तो उसको करेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग सोचते हैं कि इंडिया में सेक्स रेशियो बहुत ख़राब है, कई बार हमने कुछ स्टेट्स में भी देखा है कि सिर्फ 8 लड़कियां होती हैं 10 लड़कों के लिए, मगर यहाँ पे इमेजिन करो बात पहुँच गई थी 10 लड़कियों के लिए 7 लड़के 6 लड़के, क्योंकि बहुत सारे जो मर्द थे वो उनकी डेथ हो गई थी। तो वो जब जो सेक्स रेशियो में प्रॉब्लम थी वो जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होती रही। हालांकि आज के टाइम में जो रशिया में सेक्स रेशियो है कुछ हद तक सुधर गया, मगर तब भी रशिया में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है, और वो एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है कि रशिया में उसी की वजह से पॉपुलेशन की जो ग्रोथ थी वो भी इतनी तेज़ी से बढ़ नहीं पाई। उसके अलावा काफ़ी कल्चरल रीज़न भी हैं यहाँ पर, और ओवरऑल लोग रशिया में चाइल्डलेस मैरिज, एक बिना बच्चे की मैरिज पसंद करते हैं, और उसी को चेंज करने के लिए रशियन गवर्नमेंट एक्चुअली लोगों को पैसे देती है कि वो एक संतान पैदा करे, एक फैमिली बनाए, और आगे जाके उस बच्चे को बड़ा करने के लिए वगैरह रशियन गवर्नमेंट उनको और पैसे भी देती है कि वो कॉलेज वगैरह या जो भी स्कूल वगैरह में जो भी वो पढ़ाई करेगा वो उसका भी खर्चा कुछ हद तक रशियन गवर्नमेंट उठाएगी, ताकि लोगों को ये फील ना हो कि बच्चा पैदा करने से उनको उन पर एक इकोनॉमिक बर्डन आ जाएगा। फिर एक रशिया का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि यहाँ पर ये इस यूरोपियन रीजन में अपना दबदबा कायम रखना, क्योंकि अब जैसे आपको पता है यूक्रेन अब कम्प्लीटली प्रो वेस्ट हो गया है। एक ज़माने में यूक्रेन काफ़ी हद तक रशिया का एक एलाई था और दोनों देशों के रिश्ते काफ़ी अच्छे थे, मगर आज के टाइम में यूक्रेन और रशिया के रिश्ते काफ़ी ख़राब हैं। बेलारूस के साथ रशिया के रिश्ते ठीक हैं। तो एक बार जब यूक्रेन में अगर मान लो कल को अमेरिकन फोर्सेस डिप्लॉय हो जाती हैं तो रशिया के लिए एक जियोपॉलिटिकल चैलेंज काफ़ी तक बढ़ जाएगा, और उसको काउंटर करने के लिए रशिया के पास ज़्यादा कोई ऑप्शन होगी नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब सोवियत यूनियन वजूद में था तो
तो उस वक्त अमेरिका को टेंशन देने के लिए रशिया ने क्यूबा में मिसाइल्स डिप्लॉय कर दिए थे, मगर आज के टाइम में रशिया के पास उतनी पावर भी नहीं बची, ना इकोनॉमी के लिहाज से इतनी स्ट्रांग कंट्री है, ना टेक्नोलॉजी के लिहाज से इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। रशिया बाय द वे इंडिया को बहुत ज़्यादा वेपन्स और अभी इक्विपमेंट बेचता है, मिलिट्री हार्डवेयर बेचता है, मगर रशिया खुद अब फ्रांस, जर्मनी और काफ़ी हद तक और कंट्रीज जो हैं यूरोप की, वहाँ से मिलिट्री हार्डवेयर या नेवल शिप्स खरीदता है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली फ्रांस और रशिया के बीच में एक डील ऑलमोस्ट पक्की हो ही गई थी फ्रिगेट्स की, रशिया को फ्रिगेट्स खरीदनी थी फ्रांस से। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि रशिया की जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है वो भी धीरे धीरे जा रही है, और आने वाला जो टाइम है रशिया के लिए काफ़ी टेस्टिंग होगा, और ये देखना होगा कि रशिया क्या करता है वर्ल्ड में अपना एक जो स्टेटस है उसको कायम रखने के लिए। तो ये है हमारी वीडियो का एंड, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।